हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग में। आज हम बताएंगे आपको एमपी किसान ऐप के बारे में। इस ऐप को मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया है तथा यह मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का विवरण देता है। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया ऐप एमपी किसान के बारे में। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। इस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल द्वारा आपको अपना सत्यापन करना होगा। इसके बाद आप अपना उपयोगकर्ता पंजीयन बनाना होगा, जिसमें आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, जिला, तहसील, ग्राम तथा ईमेल की जानकारी देनी होगी तथा इसके बाद आप इस ऐप को आगे चला पाएंगे। इस ऐप के अंतर्गत आपको मिलने वाली सुविधा में आपको दावा संपत्ति, ई उपार्जन पंजीकरण, गिरदावरी जानकारी तथा पीएम किसान व सहायता से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी। इस ऐप में आपको दावा संपत्ति से संबंधित यदि कोई आपत्ति हो तो आप इस फसल से असहमत हो, यदि आप इस फसल से असहमत हो तो आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। इसके बाद आता है ई उपार्जन पंजीकरण, जिसमें आपको उपार्जन केंद्र के माध्यम से फसलों के बिक्री के लिए फसल का पंजीकरण या नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी उपार्जन केंद्र में जाकर करना होगा या फिर आप मोबाइल की सहायता से भी आप इसे कर पाएंगे। इसके बाद आता है गिरदावरी जानकारी, जिसमें आप अपने खाते से संबंधित भरी हुई फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जानकारी सही भरी है या नहीं। अब आगे आने वाले इसमें आप पीएम किसान के अंतर्गत आने वाले योजना में आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से आप अपने खाते की जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इन सभी सुविधा में मिलने वाली कुछ सहायता के लिए आप इसमें एक सहायता का भी ऑप्शन दिया हो। अगर आप किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत हो पा रही तो आप इस सहायता की बटन का उपयोग कर उसमें आप क्लिक करेंगे तथा उसमें आपको सहायता से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।